अगर पॉजिटिव सोच के साथ किसी काम की शुरुआत की जाए तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। यह कहना है सतना के 22 वर्षीय अमन पांडे का, जिन्होंने एक मिनी फूड ट्रक के साथ अपने स्टार्टअप की शुरुआत सेविंग्स के तकरीबन 3 लाख से शुरू की और आज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमन ने अब अपने स्टार्टअप ASP फास्ट फूड को आम से खास बनाने के लिए कई जगहों पर और आउटलेट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। खैर, आइए हम जानते हैं कि अमन के दिमाग में फूड ट्रक का आइडिया कैसे आया और इन्होंने स्टार्टअप की शुरुआत कैसे की और कितना मुनाफा कमा रहे हैं। तो अमन जी, आपको फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट कहां से आया और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? भैया, ऐसा है कि जब मैं खाली बैठा हुआ था कुछ समय पहले और मेरे आउटलेट चल रहे थे, उसके बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कुछ नया किया जाए जो सतना में नया हो। और ऐसे ही सर्च करते करते एक दिन मैंने स्टारबक्स का देखा, जो कि अमेरिका में अपने फूड ट्रक्स चलाता है। उसके जो वहाँ पे जो आउटलेट्स हैं वो फूड ट्रक के फॉर्म में, उसी से मैंने कॉन्सेप्ट चुराया और एक आदमी से कहा कि मुझे ऐसा फूड ट्रक बना कर दो। उन्होंने कुछ ऐसा बना करके दिया और उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास, जहाँ पे हम खड़े हों, और हमारे शहर में होना चाहिए ऐसा कि कुछ तो नया होना चाहिए अपने यहाँ पे। इसकी शुरुआत आपने कैसे की? और तो शुरू में मैं कहीं पे काम करता था, वहाँ से मैंने कुछ पैसे बचाए और बचाने के बाद मैंने एक फूड ट्रक डाला और नया कॉन्सेप्ट पे सतना पे चालू करने का सोचा। उसके बाद बनवाने के बाद करीब 3-4 लाख की लागत पे मेरा ये ट्रक चालू हो गया और आज मैं चला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। आपका टर्नओवर कितना रहता है और इतनी कम प्राइस में आप लोगों को कैसे चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं? भैया, टर्नओवर का ऐसा है कि वैसे तो कहा जाता है सैलरी और इनकम शेयर नहीं की जाती, लेकिन मेरा टर्नओवर हो गया 2.5-3 के आसपास रहता है और उस पे जो खर्चा रहता है वो करीब 60% के आसपास रहता है, 60-70%, और 30-40% मैं अपने लिए बचाता हूँ। और उसका जो चार्ट है वो ऐसा है कि हम सारी चीज़ें जो होती है ना लोकल ही खरीदने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेड माल या फिर बाहर से मंगाना, इंदौर से या बड़े शहरों से मंगाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, मैंने ये किया है कि वहाँ की जो मेयोनीज है, वहाँ की जो चीज़ें, उनका टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग उस टेस्ट को बनाने की कोशिश की है, खासकर इंडियनाइज और सतना के हिसाब से, जो कि अनुकूल हो वैसा बनाने की कोशिश की और उसी से बचा लेता हूँ। भैया, सिंपल सा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं चाहे आप कुछ भी करिए, दो तरीके की मैंने फिजिक्स में पढ़ा था, वर्क डन, पॉजिटिव और निगेटिव और ज़ीरो। तो ज़ीरो वर्क डन वाले तो कहीं नहीं जा पाते, वो घर ही पे रहते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा और भगवान कहता है बेटा तू उठ, पैर चला, तो मैं तेरे मदद करूँ, तेरे को काम दिलाऊँ, लेकिन वो करना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से दो टाइप के आप मेहनत कर सकते हैं, पहला तो पॉजिटिव और निगेटिव। अगर आप पॉजिटिव मेहनत कर रहे हैं कहीं पर भी तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना है, और मेहनत किसी भी प्रकार की हो, पॉजिटिव और निगेटिव, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना ही है। आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं और स्पेशल क्या है? भैया, मेरे यहाँ तो आप मेनू देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो स्पेशल है और कहा जाए तो बेस्ट सेलिंग है, जो लोगों को पसंद आता है, पहला तो हमारे यहाँ फ्रेंकी है। फ्रेंकी मतलब मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट चुराया है कहीं से, मैं क्या बताऊँ, इंडियनाइज करके उसको प्रेजेंट किया है, कहा जाए तो। चुराना इज लाइक गलत शब्द हो गया, मैंने इंडियनाइज करके या फिर अपने हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया है। जो फ्रेंकी हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बिक रही थी आज से 10-15 साल पहले से, वो फ्रेंकी हम नहीं बेच रहे हैं, दूसरी फ्रेंकी बेच रहे हैं। और दूसरा हमारे यहाँ फेमस है कुल्लड़ पिज़्ज़ा, अगर आप कभी समय निकाल के आएँ तो खाइएगा ज़रूर। कुल्लड़ पिज़्ज़ा हमारे यहाँ 80 रुपये का है, 90 रुपये का, 80 रुपये का, 90 रुपये का, और आप उसको खाइएगा एक बार, और खाने के बाद आपको पता चलेगा उसमें खास क्या है और टेस्ट कैसा है उसका। और उस और अगर मैं अपनी चीज़ों की तारीफ अपने मुंह से करूंगा तो बड़बोला लगूंगा, दैट्स व्हाई मैं बोल नहीं रहा कुछ। आप एक बार टेस्ट करिएगा, आजमाइएगा, फिर उसके बाद विश्वास कर लीजिएगा।